देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3rd आपने ट्राई किया, थर्ड में डाउट, ठीक, थर्ड, फोर्थ हमने कर लिया था, टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन था, ओके, टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये किया था कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको क्या गिवन है, आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है, तो एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90 सेंटीमीटर। ये कैपिटल टी करने को कहा था, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 36 सेकेंड। फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, तो मतलब क्या निकालना है, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, ये मुझे निकालना है, ठीक। एल बीइंग मेजर टू एन एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ, मैंने बताया था कि एक्यूरेसी का मतलब एब्सोल्यूट एरर 0.1 और एक्यूरेसी टाइम पीरियड में क्या है 0.2, ये गिवन है, ठीक है यहां तक। अब क्योंकि फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2π अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी है, अपने को परसेंटेज एरर जी में निकालना है, तो क्या रूल सिखाया था, इसे सबसे पहले क्या कर लेना है, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करके जिसमें एरर निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे रख दो, तो 4π स्क्वायर एल बाय पी का स्क्वायर, तो जी की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का एरर डेल्टा क्या होता है, 0 प्लस, तो सॉरी यहां पर क्या आएगा, डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी, क्लियरेस्ट है, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है, तो दोनों साइड्स को 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। तो इसके अंदर डेल्टा एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.1, एल की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है, 0.2, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 36 इंटू 100, सॉल्व करके परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है यहां तक मेथड, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने किया था, मैंने कहा था mg को w पुट कर लेना आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, ये शायद किया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला, नहीं किया था, मैं करूं, ओके। सो इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा, तो इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं, फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्जर्व, तो सबसे पहले ना काम किया करो, आपको ये R गिवन है कैपिटल R, तो ये 64 प्लस माइनस 2 कैपिटल R प्लस माइनस डेल्टा R है, लेंथ की वैल्यू गिवन है L प्लस माइनस डेल्टा L, यानी कि 156 प्लस माइनस 0.1, एंड रेडियस की वैल्यू गिवन है प्लस माइनस डेल्टा R, कितनी, 0.26 प्लस माइनस 0.02, ये साइड पे लिख लेते हैं, ठीक। क्या निकालना है, गिवन सिग्मा की वैल्यू आपको वो दे रहा है पाई छोटा आर स्क्वायर बड़ा आर डिवाइडेड बाय एल, परसेंटेज एरर इन सिग्मा निकालना है, मतलब डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इनटू 100, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इनटू 100, ठीक, नहीं तो 100 बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इज इक्वल टू, पाई में कोई एरर नहीं है, 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर और डेल्टा स्मॉल एल बाय स्मॉल एल, क्या रूल क्लियर है, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से दोनों तरफ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, तो ऐसा लिख लिया, क्लियर यहां तक। और लास्ट में
टू इन टू डेल्टा आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.02 डिवाइडेड बाय 0.26 इंटू 100। डेल्टा कैपिटल आर कितना गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 156 इंटू 100। इसे प्लीज सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस क्योंकि मैं देख रहा था स्टूडेंट जो प्रैक्टिस में सामने कर रहे थे दिन में या जब प्रैक्टिस सेशन में आते हैं तो कैलकुलेशन ना थोड़ी टाइम ले रही थी सॉल्व करने में, घर पे ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती नहीं है, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती नहीं है, हालांकि असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, पर प्रैक्टिकली नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो इजीली आप पेपर में सॉल्व कर सको, तो बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर आता नहीं है, ठीक है यहाँ पर। तो ये एक चीज़ याद रखनी है आपने। तो नेक्स्ट जो है सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर 7, कितने लोगों का आंसर आ गया? आ गया आंसर, ओके। देखो इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, तो यानी कि मुझे क्या गिवन है, एरिया विद एरर डेल्टा ए मतलब 100 प्लस माइनस 2, आपको क्या निकालना है, लेंथ विद एरर यानी कि एल प्लस माइनस डेल्टा एल। इट मींस एक मुझे क्या निकालनी पड़ेगी इसकी करेक्ट वैल्यू और एक मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका एरर, करेक्ट वैल्यू और एरर। तो मेरे को ये क्वेश्चन दो बार करना पड़ेगा, एक बार करेक्ट वैल्यू के लिए, एक बार एरर के लिए। नॉर्मली नहीं करना पड़ता, नॉर्मली परसेंटेज एरर्स में तो सीधा वो एक्सपोनेंट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। इसमें नहीं, इसमें एल अलग है, डेल्टा एल अलग है। अब ये बताओ लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एरिया क्या बनेगा, एल स्क्वायर, और हमने तो लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एरिया। कोई डाउट इसमें, ये फॉर्मूला बन गया। तो सबसे पहले एल की करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एल की करेक्ट वैल्यू निकालते हैं और फिर उसका क्या निकालते हैं, एरर निकालते हैं। तो एल की करेक्ट वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए, अब क्योंकि ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो आपको आधा आंसर तो मिल ही गया, कितना, 10, ठीक है, आधा आंसर मिल गया जो कि क्या आ गया, 10। अब आपको निकालना है डेल्टा एल, फिर से फॉर्मूला लिखो, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए या एल इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब हाफ है, पावर रूल लगा दो या एक्सपोनेंट रूल लगा दो, डेल्टा एल बाय एल पावर क्या है, हाफ इंटू डेल्टा ए बाय ए। तो ऐसे कर लेते हैं, तो यहां से डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10, हाफ डेल्टा ए की वैल्यू वहां से कितनी है 2 डिवाइडेड बाय कितना, 100। तो डेल्टा एल की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, 0.1। तो यहां से पुट करेंगे 0.1 आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो जब दो बार सॉल्व करना है तो एक बार एक्चुअल सॉल्व करना है करेक्ट वैल्यू के लिए और एक बार एरर कैलकुलेशन के लिए, ठीक। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज, नोट कर लिया, एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके सर, अब ठीक है, अब ठीक है, नो सर, एक मिनट, नहीं यार स्क्रीन तो विजिबल होनी चाहिए, मुझे दिख रही है इसमें, अब सर नहीं आ रही, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं जूम द्वारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ,
ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों का हो गया? हो गया, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस करके दिखाना ही चाहता हूँ आपको एक बार, ताकि आप प्लीज आपको स्टेप्स का सारा पता लगे, और जहाँ गलती है, हो सकता है गलती भी हो, तो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, अगली बार आप होमवर्क करके आएंगे, ठीक है? तो उसके अंदर जो आज हम काम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही काम चलेगा, ठीक? तो रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस की वैल्यू आर प्लस माइनस डेल्टा आर 2.42 प्लस माइनस 0.01, और हाइट की वैल्यू इज इक्वल टू 7.56 प्लस माइनस 0.01। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक क्रिश, क्लियर है? यस सर। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम विद एब्सोल्यूट एरर, तो क्या निकालना है? वी प्लस माइनस डेल्टा वी, तो वॉल्यूम निकालना है और साथ में एरर निकालना है, परसेंटेज एरर नहीं बोला, तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्लियर है यहां तक? अब वॉल्यूम की वैल्यू सिलेंडर की, देखो अब मेरे को क्वेश्चन दो बार करना पड़ेगा, एक बार मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी इसकी करेक्ट वैल्यू, और एक बार क्या करना पड़ेगा इसका एरर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं करेक्ट वैल्यू और फिर निकालेंगे इसका एरर। तो फॉर्मूला करेक्ट वैल्यू का क्या है बोलो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक? इसके अंदर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 इनटू स्मॉल आर, कितना है ये रहा 2.42 का स्क्वायर, और एच कितना है 7.56, तो वी की वैल्यू आनी चाहिए 139.14.14। इसमें गलती है तो ये आंसर थोड़े इनकरेक्ट हैं, तो 139.14 आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये ना सोचें कि सर बड़े फास्ट कैलकुलेट करते हैं, दूसरे पैर से आंसर याद था, वहाँ से लिखा है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है? मतलब कभी मैं सोचता ना कि यार क्या बात है यार, ओरली कैलकुलेशन में कोई नॉर्मल कैलकुलेशन ही है, तो अभी हम टेस्ट करके आए हैं दूसरे बैच में, तो दो बार सॉल्व किया तो ये आंसर आया, ठीक? तो इसमें ये आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा वी। तो हम एरर की कैलकुलेशन में वी इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच में एक्सपोनेंट का रूल, जब हम एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे थे तो पाई को हमने कंसिडर करना है, पर जब हम एरर निकाल रहे हैं और डेल्टा वी बाई वी कर रहे हैं, तो डेल्टा पाई क्या होता है? जीरो, हम लेंगे ही नहीं। टू इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच, ठीक है यहां तक? तो अपने को क्या निकालना है? डेल्टा वी। वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 139.14, टू इंटू डेल्टा आर की वैल्यू 0.01, आर की वैल्यू 2.42, डेल्टा एच 0.01 और एच की वैल्यू 7.56। सॉल्व करके डेल्टा वी आएगा, ये भी गलत है, 1. क्या आ रहा था? कुछ किया किसी ने एग्जैक्ट 1. ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ 1.3 के आसपास ही आंसर आएगा। जो भी आएगा आंसर आप यहाँ पुट कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैलकुलेशंस? तो चलो एक बात है, मेथड की क्लैरिटी है कि अगर वी प्लस माइनस डेल्टा वी करना है तो वी अलग सॉल्व होगा, डेल्टा वी अलग सॉल्व होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन रेजिस्टेंसेस। देखो इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट तो इजी है, दूसरा पार्ट देखते हैं कितने लोगों का सॉल्व हो पाया। तो पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि इसमें दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये मान लेते हैं R1 है, और ये मान लेते हैं डेल्टा R1 है, और दूसरा 15 प्लस माइनस 0.2, तो ये मान लेते हैं R2 है, ये मान लेते हैं डेल्टा R2 है। कैलकुलेट परसेंटेज एरर व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ए पार्ट है, जब रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर क्या होता है कि मान लो सीरीज के अंदर वैल्यू जो है वो आती है आर एस डिवाइडेड बाय आर एस इंटू 100, ये मुझे निकालना है। तो आर एस का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में, बताओ? आर एस इज इक्वल टू क्या? R1 प्लस R2। ठीक है यहाँ तक? तो जो डिनोमिनेटर है आर एस, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे,
आर वन कितना है 10, आर टू कितना है 15, तो कितना आ गया 10 प्लस 15 25, तो आर एस की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब अपने आपको क्या निकालना है, डेल्टा आर एस। डेल्टा आर एस बोलो क्या होगा इसमें, क्या मैं इसके अंदर एक्सपोनेंट का रूल लगा दूं? कितने लोग बोलते हैं यस लगा दो, नहीं लगा दूं, लगा देता हूं। बोलो डेल्टा आर एस बाई आर एस इज इक्वल टू डेल्टा आर वन बाई आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू, नहीं क्योंकि बीच में साइन प्लस है और प्लस में लगता ही नहीं है, तो हमने पांच ऑपरेशन किए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट। प्लस में क्या रूल किया था कि अगर जेड ए प्लस बी है तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अगर आर एस आर वन प्लस आर टू है तो डेल्टा आर एस क्या होगा, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। क्या स्टेप आपको क्लियर है? सबसे आसान वाली कैलकुलेशन है एडिशन वाली, तो करते करते एक्सपोनेंट के चक्कर में भूल जाते हैं हम लोग। तो इसमें डेल्टा आर एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1 प्लस 0.2, तो डेल्टा आर एस की वैल्यू जो है सॉल्व करके क्या आ गई 0.3, क्योंकि आपको डेल्टा आर एस डिवाइडेड बाई आर एस इंटू 100 निकालना है। डेल्टा आर एस हम निकाल चुके हैं 0.3, आर एस हम निकाल चुके हैं 25 इंटू 100, सॉल्व करके आंसर आएगा 1.2%। क्या पहला पार्ट क्लियर है? बोलो।
ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब सेम क्वेश्चन मुझे किसमें करना है? पैरेलल में। कितने लोगों का आंसर पैरेलल में आ गया? आ गया, बढ़िया। तो पैरेलल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो पैरेलल है उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो ये यूज नहीं होता। पैरेलल के अंदर फॉर्मूला जो है वो यूज होता है, 1/RP इज इक्वल टू कितना? 1/R1 + 1/R2। बिल्कुल ठीक। तो पैरेलल के अंदर बी पार्ट हम यूज करेंगे 1/R(P) इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है यहां तक? यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो R(P) क्या जाएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये ठीक है यहां तक? क्या निकालना चाहते हो? डेल्टा R(P) डिवाइडेड बाय R(P) इनटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है? परसेंटेज एरर पैरेलल में यही निकलेगा ना, डेल्टा R(P) बाय R(P) इनटू 100। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है। अब एक तरीका ये है कि पहले मैं करेक्ट वैल्यू निकालूं आरपी की, फिर मैं डेल्टा आरपी निकालूं और फिर यहां पुट करूं, आंसर आएगा। क्या आप लोगों ने ऐसा किया, अलग अलग सॉल्व किया कि एक्सपोनेंट का रूल यहीं लगा दिया? एक्सपोनेंट का सीधा रूल लगाया मींस यहां पर उन्होंने सीधा लगा दिया डेल्टा आरपी बाय आरपी इज इक्वल टू डेल्टा R1 / R1 + R2 / R2। ऐसा कुछ एक्सपोनेंट का रूल सीधा लगाने से फायदा होगा क्योंकि सीधा हमारे पास रेशियो मिलेगी हमें डेल्टा आरपी बाय आरपी की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसके अंदर यह है, हमने आज तक ऐसा एक्सप्रेशन नहीं किया जिसमें टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रही हो। हमने ये किया, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, लेकिन बीच में साइन क्या आ रहा है? प्लस। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं किया हमने प्लस वाला। तो इसके लिए काम करेंगे, R(P) विल बी इक्वल टू R1 R2। R1 + R2 की जगह मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसकी जगह क्या लिख लेता हूं? RS। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि R1 + R2 किसके इक्वल है? RS। इससे एक फायदा होगा कि ये अब मेरे को सिर्फ तीन टर्म दिख रही है बस, और साइड पे लिख लेता हूं R(S) किसके इक्वल है? R1 + R2। साइड पे लिख लिया। यहां पे अगर एक्सपोनेंट का रूल लगाऊं डेल्टा आरपी डिवाइडेड बाय आरपी इज इक्वल टू डेल्टा R1 / R1 डेल्टा R2 / R2 डेल्टा RS / RS। ठीक है यहां तक? तो अब आपको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर चाहिए। 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, और ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा R1 क्वेश्चन में क्या गिवन है? 0.1। R1 का गिवन है 10। डेल्टा R2 0.2। R2 कितना? 15। डेल्टा RS क्या होगा? 0.3। देखो RS का मतलब क्या है? R1 + R2। दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है? ऐड। तो एडिशन का रूल क्या है? एडिशन का ये रूल है, डेल्टा RS इज डेल्टा R1 + R2। यही रूल है। तो RS की वैल्यू क्या है? R1 + R2। R1 + R2 कितना है? 25। तो RS की जगह क्या पुट करेंगे? 25। और डेल्टा RS क्या है? डेल्टा R1 + R2। सॉल्व करके क्या आएगा? 0.3 × 100। तो सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। चेक कर ले, आंसर आ रहा है इसका कितना? 3.53%। मेथड समझ में आ रहा है? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तो इसकी जगह हमने RS पुट कर लिया बस। फिर हमने इसका एक्सपोनेंट का रूल लगा लिया, तो इसके अंदर ये सब चारों टर्म गिवन है। डेल्टा RS क्या होगा? R1 + R2 से निकलेगा क्योंकि दो टर्म ऐड हो रही हैं, तो डेल्टा भी उनका आपस में ऐड हो जाएगा। तो डेल्टा RS इन दोनों को ऐड करके आएगा, और RS का मतलब R1 + R2। आंसर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है?
सबको क्लियर है? ठीक है, कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? ऐसे किया, ठीक है। थ्री पॉइंट फाइव थ्री परसेंट आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो मेथड सबको क्लियर है? ठीक है, तो आपने गूगल ड्राइव मैं शेयर करूंगा आपके साथ, आपने वो गूगल फॉर्म सबने भर दिया, नहीं भरा तो भर के जाना। तो गूगल ड्राइव शेयर होगी जिसपे इसके सॉल्यूशन सारे मेरे हाथ से सॉल्व किए हुए मैं उसमें डालता हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर रेफरेंस चाहिए हो तो आप इसमें से ना देखें या देखें, मर्जी है, पर मैं अपने उसमें लिस्ट बना के रखूँगा। तो जो भी शीट आपको दूंगा उसका सोल्यूशन खुद सॉल्व करके उसमें पक्का डालूंगा ही डालूंगा आपके रेफरेंस के लिए। कहीं उन्हें घर जाके देखना होता है कैसे किया तो उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्मूला दे दिया उसने। वैसे विस्कोसिटी क्या होती है बता देता हूं। कोई लिक्विड, हम ये लिक्विड के अंदर पढ़ेंगे ये आने वाले टाइम में, कोई लिक्विड अगर पतला है पानी की तरह आराम से पाइप में फ्लो कर सकता है उसे बोला जाता है नॉन विस्कस लिक्विड। पतला नहीं बोलते फिजिक्स में, नॉन विस्कस लिक्विड। कोई लिक्विड शहद की तरह गाढ़ा लिक्विड है उसको बोलते हैं विस्कस लिक्विड। तो विस्कस लिक्विड पाइप में इजिली फ्लो कर नहीं सकते। शहद का के क्या वो पाउंड बना के देखो, वो प्रेशर पंप लगा के देखो, निकलेगा भी नहीं, पानी निकलेगा तेजी से। तो विस्कस नॉन विस्कस ये लिक्विड होता है। तो ये एक फॉर्मूला है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का। इस सिंबल का नाम क्या है, जैसे अल्फा बीटा गामा रो डेल्टा, इसका नाम क्या है? कोई बोला एफिशिएंसी, ऐसे एफिशिएंसी नहीं, नहीं एफिशिएंसी तो जो है को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल, लेकिन नाम क्या है सिंबल का? जैसे अल्फा बीटा की तरह इसका नाम है ईटा, ई टी ए ईटा। तब आपके लिस्ट में ऐड हो गया अल्फा बीटा गामा ईटा डेल्टा रो सिग्मा, ये सब एक्टर्स हैं हमारे इस मूवी के जो अभी अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो ईटा का सिंबल आपको गिवन है और वैल्यूज ऑफ गिवन है पी आर वी एल इज 76.28 1.2 0.1 एंड दीज क्वांटिटीज आर मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ, एक्यूरेसी ऑफ का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू है डेल्टा पी वो इसमें कितनी गिवन है? 0.5 0.01 0.1 और 0.1। क्या स्टेप क्लियर है? आठ वैल्यूज क्लियर है जो गिवन है। कैसे लिखना समझ में आ रहा है सबको? क्या निकालना है? फाइंड फाइंड परसेंटेज एरर इन ईटा। तो ईटा का फॉर्मूला पाई पी आर स्क्वायर 8 वी एल आपको निकालना क्या है? डेल्टा ईटा बाय ईटा इंटू 100, वही परसेंटेज एरर है। तो लगाओ एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा ईटा बाय ईटा, पाई में कोई एरर नहीं है, डेल्टा पाई तो जीरो होता है, डेल्टा पी बाय पी प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस 8 में कोई एरर नहीं है, डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा एल बाय एल। क्लियर है यहां तक? क्या है पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंट का रूल, 100 से दोनों साइड्स को क्या कर देना है?
मल्टीप्लाई, तो डेल्टा पी बाय पी इनटू 100 टू डेल्टा आर बाय आर इनटू 100, डेल्टा वी बाय वी इनटू 100 और डेल्टा एल बाय एल इनटू 100, ये रहा। अब आपको डेल्टा पी पी गिवन है, डेल्टा आर आर गिवन है, डेल्टा वी वी गिवन है, डेल्टा एल एल गिवन है। आठों वैल्यूज को यहाँ पुट करके आपके पास आंसर आएगा 116.12%। कुछ ज़्यादा ही एरर नहीं है, 116% एरर तो 2-4% अच्छे लगते हैं, 116% तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जैसी भी है, मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? कितने का हो गया था ये? हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने शीट में कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में, म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरेज वैल्यूज निकाली थी, तो रिपीट है, इसको छोड़ देंगे, इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट जो आपका काम है वो ये शीट थी, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1, कितने लोगों ने की? किया। ये फिर भी ईजी है थोड़ी, थोड़ा कम से कम ऑप्शन दिखते हैं इसमें, 4 टिक मार्क करने हैं। अब पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी आपको गिवन है 20 ± 1 एंड करंट गिवन है 2.5 ± 0.5। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है 20 ± 1, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस वी गिवन है कितना था, 20 ± 1 की 0 1, ओके 1, और करंट बोलना कितना है, 0. ओके ये गिवन है। आपको क्या निकालना है इसमें एरर, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय आई। ऑप्शंस चेक करो, अगर आप इसमें ऑप्शन चेक करें तो पता लग रहा है कि आर प्लस माइनस डेल्टा आर निकालना है आपको, एब्सोल्यूट एरर चल रहे हैं सर, परसेंटेज कहीं दिख नहीं रहा ना, तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको आर प्लस माइनस डेल्टा आर कैलकुलेट करना है तो आर की करेक्ट वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी और डेल्टा आर अलग निकालना पड़ेगा। तो आर की अगर आपको करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आर का फॉर्मूला लिख लें, बोलो क्या फॉर्मूला, वी डिवाइडेड बाय आई। तो आर की करेक्ट वैल्यू वी कितना है, 20, आई कितना है, 2.5, कितना आएगा 8, प्लस माइनस डेल्टा आर। एरर की कैलकुलेशन कैसे होगी, फिर से फॉर्मूला लिखो, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, आर की जगह डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा आई बाय आई। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, डिवीजन हो रहा है, तो यहां से डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 8 है, डेल्टा वी अपॉन 20 और ऐसे ही 0.5 अपॉन 2.5। कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करके, टू। तो आंसर क्या बनेगा, 8 ± 2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि आपको ऑप्शंस कैसे मार्क करने हैं, इसमें मेथड तो वही है सेम। ठीक है यहाँ तक, तो इसके अंदर ना कई लोग कह रहे थे कि हम ना ऑप्शन देख लिया करेंगे, हाँ बिल्कुल देखो, जैसे आपका आंसर आर का 8 है, कम से कम ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इन दोनों में से ऑप्शन होगा, जैसे मान लो ये अगर 7 होता तो ये भी नहीं होता, तो ये आंसर हो जाता। अब दिक्कत है यहाँ पर नन है, नन के अंदर आपको इसकी सेकेंड डेल्टा आर भी चेक करना पड़ेगा, पर एक अच्छी बात यह है कि
कंपटीशन के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये रूल है, रूल बना दिया गया। पहले आते थे नन, नन खत्म कर दिया। तो वो कहते हैं नन में प्रॉब्लम है कि बच्चा पहला आंसर चेक करता है, उसको दूसरा और तीसरा भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि नन में तो कुछ भी हो सकता है। नन नहीं आएगा, ये मैंने जान के डाला हुआ है, क्योंकि अगर मैं नन नहीं डालूंगा फिर आप ये चेक ही नहीं करेंगे, और चेक तो एरर ही करना है। तो मैंने चौथी ऑप्शन नन बनाई है, अदरवाइज नन कभी आएगा नहीं। तो आप अपने वो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, ये आंसर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, आप लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज अलाउड है, पर इसमें तो ऑल ऑफ दीज कैसे होगा? ठीक है, पर कई क्वेश्चन में होते हैं ऑल ऑफ दी, तो उसमें अलाउड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू, रेडियस ऑफ स्फीयर आपको गिवन है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो रेडियस की वैल्यू गिवन है 5.3 प्लस माइनस 0.1, इसको लिख लेते हैं आर प्लस माइनस डेल्टा आर। क्या निकालना है? वॉल्यूम विद एरर, तो v प्लस माइनस डेल्टा v। तो अपने को क्या निकालनी पड़ेगी? एक करेक्ट वैल्यू, और एक क्या निकालना पड़ेगा? एरर। आपने एक चीज नोट की, जब भी एब्सोल्यूट एरर्स में क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर अपने को दो बार सॉल्व करना पड़ता है। जब रिलेटिव या परसेंटेज एरर आता है उसमें सीधा एक्सपोनेंट रूल से फटाफट सॉल्व हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं, पहले करेक्ट वैल्यू निकालते हैं और फिर इसका एरर निकालते हैं। तो करेक्ट वैल्यू में वॉल्यूम क्या पुट करेंगे? 4/3 πr³। तो इसमें 4/3 π को निगलेक्ट नहीं करना, भाई वॉल्यूम निकल रहा है प्रॉपर। तो करेक्ट वॉल्यूम है 4/3 × 22/7 और आर की वैल्यू 5.3³, तो वी आ जाएगा। और डेल्टा वी निकालने के लिए एक बार फिर से यही फॉर्मूला लिखा जाएगा। इस फॉर्मूले में एक्सपोनेंट रूल डेल्टा वी बाई वी। अब देखो 4/3 कांस्टेंट है, इसका डेल्टा क्या होगा? 0। पाई कांस्टेंट है, डेल्टा क्या होगा पाई का? 0। तो क्या बचा? 2 × Δr/r। तो आपको डेल्टा आर की वैल्यू पता है, डेल्टा आर कितना गिवन है? 0.1, ये 5.3, और वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ये जो भी आएगा यहां से पुट कर देना, डेल्टा भी कैलकुलेट करके ऑप्शन मार्क करना। नहीं लेना चाहिए था मुझे, ओ अच्छा हाँ, क्यूब आएगा, सॉरी 4/3 π, हाँ क्यूब आएगा, सॉरी ठीक है 3 होएगा यहाँ पर किसका, हाँ v की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो डेल्टा v आएगा। क्योंकि आपको ऑप्शन देखो, क्या आपको ऑप्शन परसेंटेज में गिवन है? आपको परसेंटेज में गिवन है, तो फिर काम करना, फिर ये सब करना एक लंबा रास्ता है जो मैंने किया, काफी बड़ा मेथड कर दिया। अगर परसेंटेज एरर है तो समझो क्वेश्चन इजी आ गया। वो क्यों? क्योंकि परसेंटेज एरर के अंदर ये कुछ करने की फिर आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये निकालना ही नहीं है। तो अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या निकालना है? डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। अब ये इजी हो गया। इजी क्यों हो गया? क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ है, सीधा एक्सपोनेंट का रूल आएगा, ये लो 3 × Δr/r, और 100 से दोनों साइड्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ऑप्शन देखनी पड़ेंगे, मेरे को लगा v प्लस माइनस डेल्टा v की ऑप्शन होगी, लेकिन वहां पर परसेंटेज एरर गिवन है तो और छोटा क्वेश्चन हो गया। यहां से सीधा डेल्टा r की वैल्यू पुट कर दो, जो कि 0.1 है, और ये 5.3 है इंटू 100, परसेंटेज एरर कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर ये ज्यादा आसान है, मेथड तो वो भी ठीक था पर वो लंबा मेथड था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसमें छोटा मेथड है। फिर जरूरत क्या है? जब परसेंटेज एरर निकालना है तो सीधा एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ठीक ठीक है। या अभी भी कंफ्यूजन है कब कौन सा रूल लगता है? कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और दूर हो जाएगी कंफ्यूजन, तो यहां से आंसर आ जाएगा। एक कितने लोगों का ये क्वेश्चन ठीक हो गया? थर्ड क्वेश्चन हो गया, हो गया थर्ड, ठीक है। तो आपको दो डायमीटर्स गिवन है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल, किसका? हॉलो सिलेंडर का, बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जिससे कि आप डायमीटर्स निकालते हैं। हॉलो सिलेंडर है, बीच में खाली है, थोड़ा मोटा सिलेंडर है, मोटे सिलेंडर का मतलब उसकी थिकनेस है, आउटर और इनर दो रेडियस हैं, ठीक। क्या निकालना है? फाइंड थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल विद लिमिट ऑफ एरर। तो आपको थिकनेस निकाल दिया विद एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहली चीज इसमें आप मुझे ये बताएं
कि अगर सपोज करो ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये देखो ये रहा, ये सिलेंडर ठीक है, एक काम करते हैं थिकनेस लेते हैं ये रही ऐसे, ये लो ठीक है। तो इसमें ये एक थिक सिलेंडर है कुछ ऐसा, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, एक थिक सिलेंडर है, इसमें जो डायमीटर गिवन है किसका, इस पूरे का और अंदर वाले का, ये गिवन है, बीच में हॉलो है। ऐसा करें अगर मैं आपको इसका आउटर रेडियस बता दूं, अगर मैं इसका इनर रेडियस बता दूं, और अगर मैं इस आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी थिकनेस। क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, बताना जरा आउटर डायमीटर कितना गिवन है, बोलो 4.23, ये लो। तो एक काम करो आउटर रेडियस क्या होगा बोलो, इस टर्म को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या आ गया आउटर रेडियस, ठीक हो गया। तो आउटर रेडियस की वैल्यू आ गई विद एरर। अब इनर डायामीटर कितना गिवन है चेक करो, 3.01। तो इनर रेडियस की वैल्यू आएगी 3.89/2 ±0.01/2 इनर रेडियस। क्या पॉइंट क्लियर है, आउटर इनर। अब आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करेंगे तो थिकनेस आ जाएगी, यानी कि इन दो टर्म को मुझे क्या करना है माइनस। ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू तो हो जाएगी माइनस, पर एरर्स का क्या होगा एड, एरर्स हमेशा एड होते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो टी की वैल्यू क्या होगी यहां पर, यहां पर टी की वैल्यू होगी 4.23/2 -3.89/2, माइनस कर दिया। तो डेल्टा टी क्या होगा, वहां का एरर प्लस यहां का एरर, तो एरर सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएंगे एब्सोल्यूट एड। आंसर ऑप्शन मार्क कर लेना, ठीक है, ऐसे किया ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, एडिशन में क्या करना है, ठीक है, कब एक्सपोनेंट लगेगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है। आपको कोई मतलब नहीं है यार कैपेसिटर क्या होता है, वैसे कैपेसिटर बता दूं प्लस टू में पढ़ाया जाता है, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, बस ये समझ ले, चार्ज को स्टोर करके रखता है, ठीक। जैसे घरों में टैंक एक डिवाइस है जो पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक। एक लाइन और बता देता हूं और क्लियर हो जाएगा कैपेसिटर का, आपने पढ़ा तो नहीं हुआ कैपेसिटर। जैसे मेरे घर में फ्रेश वाटर आता है, अब प्रॉब्लम ये है जब मैं बाल्टी भरता हूं कभी तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, और कभी जाने वाला हो जाता है, फिर आ जाता है। कांस्टेंट सप्लाई नहीं है पानी की कि स्पीड पे आएगा ही आएगा, मेरे को चाहिए एकदम फुल प्रेशर और कांस्टेंट सप्लाई, फुल मतलब फुल चाहिए, तो ताजा पानी तो ये काम कर नहीं पाएगा। तो अपने घर में क्या लगाऊंगा, टैंक, बड़ा टैंक लगा दूंगा, अब टैंक में से पानी निकाल लूंगा, अब मेरी मर्जी मैं किस रेट पे पानी निकालना चाहता हूं, ना स्लो होगा ना फास्ट। तो टैंक इज अ कैपेसिटर,
तो आप पहले कैपेसिटर लगाओगे, ऐसे ही आप कैमरे में फोटो खींचते हो, फ्लैश आती है, लाइटनिंग बोलते हैं उसे, लाइटनिंग फ्लैश। फ्लैश जब लगाते हो, कैमरे की बैटरी तो ऐसे ख़त्म होती है 2 मिनट में। अब 20-25 फोटो में देख लो कि उसकी जो स्टिक्स हैं डाउन हो जाएंगी बैटरी की, फ्लैश के साथ। क्यों? फ्लैश एक बड़ी बाल्टी पानी की है, बड़ा टैंक है पानी का, वो उठा के आप बाहर फेंक रहे हो, इकट्ठा टैप नहीं चला रहे, मतलब कैपेसिटर लगा हुआ है, वो चार्ज पूरे का पूरा लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि लाइट में कन्वर्ट, क्योंकि आपको बहुत लाइट चाहिए फोटो खींचने के लिए, तो बहुत चार्ज बाहर निकालना होता है, बैटरी निकाल नहीं पाती बहुत ज़्यादा, बैटरी से ताज़ा पानी और आराम आराम से देती है, और कैपेसिटर से टैंक, तो पहले उसमें भर लेते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही है ये चीज़ें, ठीक। अगर पंखे के अंदर भी लगा होता है, पंखे की स्पीड आप चेंज कर लेते हो रेगुलेटर से, कैपेसिटर लगा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, देखो स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो चलो अभी टाइम नहीं आया इसका, अभी आएगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है सी, तो सी प्लस माइनस डेल्टा सी की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फैरड बोलते हैं इसे, चाहिए नहीं आपको। नेक्स्ट है वी प्लस माइनस डेल्टा वी, आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस माइनस 0.2, ये गिवन है। आपको चार्ज निकालना है, अब चार्ज एब्सोल्यूट एरर के साथ निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला उसने दे दिया आपको सी वी, तो एक निकलेगी करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू में आपको क्या निकालना है, क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू, क्यू तो निकल आएगा कैसे, सी इंटू वी, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। तो चलो कम से कम ये तो पता लगा कि ये दो ऑप्शंस हो नहीं सकते, तो नन ना होता फिर तो शायद यही आंसर आ जाता, आगे चेक करने की जरूरत भी ना पड़ती, पर है तो कोई बात नहीं, डेल्टा क्यू निकाल लो, डेल्टा क्यू बाय क्यू, डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा वी बाय वी, तो यहाँ से डेल्टा सी सी, डेल्टा वी वी, और क्यू की वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू, पुट करके आंसर मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, कमाल ही कर दी। क्या आपने सिर्फ फोकल लेंथ को चेक किया कि डेल्टा एफ भी निकाला, डेल्टा एफ निकाला आपने, अच्छा ठीक है। देखो ये क्वेश्चन और रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्वेश्चन सेम है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला मिरर में क्या लगता है, 1/F इज 1/U प्लस 1/V, तो वो सेम है, तो जैसे उसमें 1/R1 प्लस 1/R2 लगता है, सही है, तो उसी टेक्निक से करेंगे। एक काम करते हैं, यू की वैल्यू देखते हैं पहले, यू की वैल्यू है 50.1, ये लो, तो यू को लिखते हैं, यू प्लस माइनस डेल्टा यू गिवन है कितना, 50.1 प्लस माइनस बोलो कितना, 0.5, ठीक है। और ऐसी वी प्लस माइनस डेल्टा वी कितना, 20.1 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, यहां तक ये गिवन है। मुझे क्या निकालना है, एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ, ऐसे गिवन है। अब अगर ये टर्म मुझे निकालनी है, तो एक मुझे एफ की क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, करेक्ट वैल्यू, और एक क्या निकालना पड़ेगा इसका, एरर। करेक्ट वैल्यू में 1/फोकल लेंथ क्या होता है, 1/U प्लस 1/V, तो फोकल लेंथ होता है वी इंटू यू बाय वी प्लस यू, ये फॉर्मूला हो गया। तो करेक्ट वैल्यू में प्रॉब्लम ही नहीं है, वी की वैल्यू है 20.1, U की वैल्यू है 50.1, V 20.1 प्लस 50.1, तो F चेक करना कितना आ रहा है, F की वैल्यू आनी चाहिए 14.3, चेक कर लेना, जो F आ रहा है उसकी वैल्यू है 14.3, नहीं मुझे आंसर याद है पहले बैच से, इसलिए ये ना सोचना मैंने सॉल्व किया, ठीक है, आंसर याद है। अब एक स्टूडेंट बोला कि आगे सॉल्व करने की जरूरत क्या है, मैंने कहा क्यों, या तो ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के अंदर 14.3 का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 16.3 होगा नहीं, 19.3 होगा नहीं, वो कह रहा है जी नन
तो चलो आपने दिया ना, हुआ नन, तो कम से कम मैं फोकल लेंथ ही कैलकुलेट कर गया। चलो ठीक है, एक बात तो समझ में आती है कि कम से कम ऑब्जेक्टिव में एक तो फायदा है, ऑप्शंस अपने आप ही इलिमिनेट तो होती हैं, तो ऑप्शंस को तो हमेशा देखना चाहिए सॉल्व करते हुए। अगर आप ऑप्शन बिल्कुल नहीं देख रहे आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, और कई बार क्या 50% केसेज में ऑप्शन इलिमिनेट हो ही जाती हैं। 50-50 वो के बी सी में ना, 50-50 तो चलता ही है हर क्वेश्चन में, इतनी लाइफ लाइन तो देते ही हैं वो सब, दो ऑप्शन तो ईजिली इलिमिनेशन जाती हैं। तो ये चार ऑप्शन है, यानी कि अब मेरे को इस क्वेश्चन में डेल्टा एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो लड़का कहता है कैलकुलेट करके क्या करोगे, सब में तो 0.4 है, तो कैलकुलेट क्या करोगे, डिफरेंट तो आ ही नहीं रहा। तो इसका आंसर कहता कि ए है, बात तो सही है, पॉइंट तो सही है, लॉजिक अगर ऐसा, अगर मान लो चौथा ऑप्शन नन ना होता फिर मैं आगे सॉल्व ही ना करता और मैं क्या आंसर मार्क कर देता, ए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके मेथड चेक नहीं होते, सब्जेक्टिव कुछ चेक नहीं होता, बस ए बी सी डी चेक होता है। ठीक है यहाँ तक, पर कर लेते हैं डेल्टा एफ कैसे कैलकुलेट करना है, आइडिया हो जाएगा आपको। तो डेल्टा एफ की कैलकुलेशन के लिए, ये रहा आपका डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ की कैलकुलेशन के लिए काम करते हैं यहाँ पर, अब एरर की कैलकुलेशन करते हैं। तो एरर की कैलकुलेशन में फिर से एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, वी इंटू यू बाई वी प्लस यू। अब प्रॉब्लम फिर वही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, प्लस, जैसे रेजिस्टेंस में आता था पैरेलल में, मैंने काम किया f इज इक्वल टू वी इंटू यू बाई एक्स कर लिया और साइड पे लिख लिया कि x यहां पर क्या है, वी प्लस यू। थोड़ा आसान लग रहा है मुझे अभी, तो मैंने इसमें डेल्टा f का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा f बाई एफ, डेल्टा v बाई वी, डेल्टा u बाई यू, डेल्टा x बाई एक्स। कोई डाउट इसमें, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, रूल लगा लिया, अब वैल्यूज पुट कर लें, डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू क्या है 14.3, डेल्टा वी कितना है 0.2, वी कितना है 20.1, डेल्टा यू कितना है 0.5 और यू कितना है 50.1। अब बताओ डेल्टा एक्स कितना है, अच्छा पहले एक्स बताओ कितना है, एक्स कितना है, एक्स है क्या वी प्लस यू, तो वी प्लस यू करें 70.2, v और u की करेक्ट वैल्यू 70.2। क्लियर है यहां तक, डेल्टा x बोलो क्या है 0.7, कितने लोग बोलते हैं 0.7, क्यों, क्योंकि दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड, तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी क्या हो जाएंगे, ऐड ये किया था तो क्या आएगा 0.5 और 0.2 मिला के 0.7। कैलकुलेशन लंबी है काफ़ी, यहाँ से 14.3 को राइट पे लेके मल्टीप्लाई करके डेल्टा एफ निकाल लेना, जो भी आएगा मार्क करना। इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने नोट किए हैं वो परसेंटेजेस पे ज़्यादा आते हैं, परसेंटेज थोड़े इजी भी होते हैं, जो कॉम्पिटिशन के अंदर भी ज़्यादा परसेंटेज चलती है, एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन दिए नहीं जाते। पर हाँ मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मेथड क्या यूज होगा ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कैलकुलेशन की ज़्यादा चिंता नहीं करें। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें आने का चांस थोड़ा कम है इसका, वैसे वो बात अलग है। नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट इज मीन और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, कौन सा एरर, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर सिंपली डिफरेंस है, तो एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है अगर क्यू इसके इक्वल है तो आपको ऑप्शन सही मार्क करना है डेल्टा एक्स का, तो क्यू क्या है एक्स की पावर एन और वाई की पावर एम, तो क्यू आपको ये गिवन है, क्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एन वाई की पावर एम, तो रिलेटिव एरर क्या बनेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू, यहां पर बनेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू, एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, एम इंटू डेल्टा वाई बाई वाई, ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन मार्क कर लें, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन बनती है, नहीं बनती, क्यों, क्यू मिसिंग है, डेल्टा क्यू बाई क्यू मिसिंग है, ये बनती है क्योंकि क्यू इसने राइट साइड पे लगा दिया, डेल्टा क्यू बाई क्यू, एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, एम इंटू डेल्टा वाई, प्लस माइनस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि एरर प्लस एरर माइनस कुछ भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाई मास एंड वॉल्यूम, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर,
परसेंटेज में गिवन है, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 कितना गिवन है, 4%, और वॉल्यूम के अंदर डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 कितना गिवन है, 3%। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, परसेंटेज एरर, तो डेंसिटी होती क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा वी बाय वी, तो 100 से दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, मास का परसेंटेज एरर और वॉल्यूम का परसेंटेज एरर 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7% इज द आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ऐड ही करना है सिंपल, ठीक। नेक्स्ट है, हीट डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला I²RT, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज, किन क्वांटिटीज, रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। तो ये 1% पता है क्या है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज 1%। नेक्स्ट है करंट, डेल्टा आई बाय आई इंटू 100 कितना गिवन है, 2%। नेक्स्ट है टाइम, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 कितना गिवन है, 1%। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन एच, तो एच का फॉर्मूला क्या है, एच का फॉर्मूला है I²RT, तो लगाओ एक्सपोनेंट, डेल्टा एच बाय एच, 2 इंटू डेल्टा आई बाय आई, प्लस डेल्टा आर बाय आर, प्लस डेल्टा टी बाय टी, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू करंट का परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 2%, 2 × 2 = 4। रेजिस्टेंस का एरर क्या गिवन है, 1%, 4 + 1 = 5। टाइम का गिवन है 1, 6, आंसर है 6% आंसर है। अब सुनो एक बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको पेन भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप मन में कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × % error of I + 1 × % error of R + 1 × % error of time ऐसे ओरली ऐड कर दो। ये रूल किसको दिखा रहे हो, ये क्या करना, क्या है, पेज ही भर रहे हो, आपको इतना तो पता लग ही गया है कि मन में 2 × % error of I क्या गिवन है, 2%, 2 × 2 = 4, रेजिस्टेंस में 1, टाइम में 1, 6 आ गया। तो आज से जो परसेंटेज एरर निकलेंगे ऑब्जेक्टिव में, वो सीधा फॉर्मूला देख के पावर से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो सब्जेक्टिव में दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में कोई चक्कर नहीं। इस क्वेश्चन नंबर 10th में डायमेंशन फॉर्मूला एक्स इसके इक्वल है, तो क्या निकालना है आपको, परसेंटेज एरर मास में, लेंथ में और टाइम में। तो ये मास में, लेंथ में, टाइम में गिवन है, तो परसेंटेज एरर एक्स में कितना है। अब एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला है m⁻⁻¹, l³⁷, t⁻⁻²। तो क्या करें, −1 × 2% +3 × 3% −2 × 4%, हाँ या ना, ना, क्योंकि एरर्स में नेगेटिव नहीं आता, गड़बड़ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें सही लिख के l³, m नीचे जाएगा l, और t भी कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे। अब सब पॉजिटिव हो गया, अब करें कैलकुलेट, ओरली बोलो, 3 × % error of L, 3 × 3 = 9, प्लस मास का कितना, 2, 9 + 2 = 11, प्लस 2 × 4 कितना, टोटल कितना, 19। समझ में आ रहा है कैसे करना है, ओरली समझ में आ रहा है कैसे करना है, बस सीधा कर दो, आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दी हुई है मैंने इसमें सेट में, खोलो, बस ये शीट करनी है अभी, कर दो।
देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एल पता है, ये क्या गिवन है, डेल्टा एल, एक्यूरेसी डेल्टा एल। अब प्रॉब्लम है एल किस में गिवन है, सेंटीमीटर, और ये किस में गिवन है, यूनिट सेम होनी चाहिए, या दोनों सेंटीमीटर या दोनों एमएम, तभी तो डेल्टा एल बाय एल में दोनों के यूनिट्स कैंसिल कर पाएंगे, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। फिर आपको टी गिवन है, 100 ऑसिलेशन का टी गिवन है, और फिर आपको डेल्टा टी गिवन है, आपको जी के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या सिखाया था, एल पता है, डेल्टा एल पता है, डेल्टा एल क्या है, 1 mm, कन्वर्ट करके 0.1 सेंटीमीटर। टी पता है, डेल्टा टी पता है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि आपको डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 निकालना है, स्क्वेयरिंग करेंगे, आज हमने किया, जी को एक तरफ करेंगे, कर दिया। अब इसमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी बाई जी, 4π² में एरर नहीं है, तो डेल्टा एल बाई एल, 2 × डेल्टा t/t, ऐसे किया था, और 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा एल पता है, हमें एल पता है, डेल्टा टी और टी पता है, तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ, नेक्स्ट का 7% आ रहा है क्या? हाँ 7 आ रहा है, करेक्शन कर लो, नेक्स्ट ट्राई करो, आंसर मार्क करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, आपको वी वी गिवन है प्लस माइनस डेल्टा वी, आपको आई गिवन है प्लस माइनस डेल्टा आई, आपको क्या निकालना है, आर प्लस आर का परसेंटेज एरर। तो आप आर का फॉर्मूला लिखें, डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा आई बाय आई, 100 से मल्टीप्लाई, वैल्यूज को पुट करें, डेल्टा वी वी, डेल्टा आई बाई आई, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 5.2 गलत मार्क है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 7% आएगा, सॉल्व करके 7% आंसर है, ठीक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी और डी परसेंटेज एरर गिवन है, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन पी, तो एक्सपोनेंट का रूल लगा लें, क्या लगेगा, डेल्टा पी बाई पी, 3 × डेल्टा ए बाई ए,
टू इंटू डेल्टा बी बाई बी, वन इंटू डेल्टा सी बाई सी, वन इंटू डेल्टा डी बाई डी। तो प्लीज़ यहाँ वैल्यूज पुट करें और चेक करें क्या आंसर आ रहा है। डी 14% है, चेक करें वैल्यूज पुट करें। हाँ जी आ गया आंसर, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ से डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, सब आपको परसेंटेज एरर गिवन है, आंसर 14%। ठीक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट करें प्लीज, रेडियस ऑफ बॉल वाला क्वेश्चन चेक करें, 11% आंसर आ रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेटली 11 कर देना, कोई बात नहीं चलेगा। देखो रेडियस ऑफ द बॉल इज गिवन बाय, तो ये क्या गिवन है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी बाय वी इनटू 100। तो आप एक काम करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें, डेल्टा वी बाय वी, 4, 3 और 5 में तो एरर होगा नहीं, 3 × डेल्टा आर बाय आर, दोनों तरफ से 100 को मल्टीप्लाई। ठीक है यहां तक? तो आपको डेल्टा आर गिवन है, ये रहा 0.2, आर गिवन है 5.2 आंसर, तो मल्टीप्लाई करें आंसर 11.5% आएगा। तो कितनों का हो गया, ये हो गया था। ठीक तो क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। मास में परसेंटेज एरर को कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम बाय एम इनटू 100। वेलोसिटी स्पीड में क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाय वी इनटू 100। क्या निकालना है, मैक्सिमम एरर इन द काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है के, वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके अंदर डेल्टा के बाई के, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है, डेल्टा के बाई के, हाफ में कोई एरर नहीं है, डेल्टा एम बाई एम, 2 × डेल्टा वी बाई वी। ठीक है यहां तक? 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज एरर मास में क्वेश्चन में 2% के बने और वेलोसिटी में 3% के बने, सॉल्व करके आंसर 8%। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है परसेंटेज वाले, 90% चांस है कि परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर आज तक परसेंटेज ही आया है,
क्योंकि वो इतना टाइम खराब नहीं करते कंपटीशन वाले कि पता लगे वैल्यू में उलझा लें, तो परसेंटेज में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वो तो हो ही जाएगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट एरर है, लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट एरर होता है। x इज इक्वल टू ए की पावर n, तो डेल्टा x बाय x निकाल लो, तो क्या लगेगा, डेल्टा x बाय x इज n इंटू डेल्टा a बाय a, प्लस माइनस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर। ठीक है, सिक्स क्लियर है। सेवेंथ, दे रहा हूं क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ वन रॉड इज 2.53 एंड दैट ऑफ अदर 1.27, लीस्ट काउंट डेल्टा एल गिवन है दोनों रॉड्स का सेम, इफ टू रॉड पुट टुगेदर ऐड हो रही है तो टोटल लेंथ क्या होगी, जब ऐड होगी तो एरर्स भी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस आंसर। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में body travels uniformly a distance of s plus minus delta s, time t plus minus delta t, velocity with error, तो velocity with error का formula v is equal to s by t, क्योंकि v अलग निकलेगा delta v अलग निकलेगा, तो v का formula s by t, correct value of s, correct value of t, और delta v निकालने के लिए delta v by v is delta s by s plus delta t by t। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ से इसे सॉल्व करके चेक करें, चेक करके आंसर 0.3 आ रहा है, कितनों का आ रहा है 0.3, समझ में आ रहा है किसको करना कैसे है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट है और कुछ भी नहीं है इसमें, हमने ये वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम की ना थोड़ी देर पहले,
सब्जेक्टिव के अंदर तो यही क्वेश्चन किया था हमने वेलोसिटी वाला, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले ये दो टर्म लिखेंगे, v प्लस माइनस डेल्टा v निकालने के लिए v की करेक्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल्टा v निकालने के लिए रूल लगाएंगे और डेल्टा v निकालेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मार्क करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और सबसे बड़ी बात, इस लेक्चर के बाद जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और जो नहीं होंगे वो आप पूछेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, इसको रिवाइज करेंगे सारे, पहला रिवाइज करने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमने कर लिया, हीट डिसिपेटेड वाला, आज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी सब्जेक्टिव में हो गया, और ये हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एम की पावर, यहाँ पर ना एल्फा कर लो एल्फा, एल की पावर बीटा कर लो, और टी की पावर माइनस गामा कर लो, एल्फा बीटा गामा। क्लियर है यहाँ तक? ए बी सी नहीं है, एल्फा बीटा गामा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए बी, अच्छा ओ अच्छा अच्छा ओ सॉरी अच्छा ए और एल, ओ ठीक है डन, सॉरी। तो इसमें ए बी सी सही रहेगा, क्योंकि वो ए और एल्फा परसेंट है, एल्फा परसेंट है, बीटा परसेंट है और गामा परसेंट है, ओके ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है, पहला रूल क्या है, टी की पावर को पॉजिटिव बनाना, नीचे आ गया, लगाओ रूल इसमें, डेल्टा एक्स बाय एक्स, ए इंटू डेल्टा एम बाय एम, बी इंटू डेल्टा एल बाय एल, सी इंटू डेल्टा टी बाय टी। अब परसेंटेज एरर एम का क्या गिवन है, एल्फा परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी जगह एल्फा परसेंट आएगा, इसकी जगह बीटा परसेंट आएगा, उसकी जगह गामा परसेंट आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है।